और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से, जहां पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चिन्मयानंद पर लगे यौन शोषण के आरोप इन पर लगे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त शाहजहांपुर से, जहां चिन्मयानंद जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चिन्मयानंद पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। एसआईटी और यूपी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें शाहजहांपुर से आ रही है, जहां स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार कर लिए गए। राजीव शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। बड़ी देर बाद गिरफ्तारी हुई, काफी कष्ट लेकर जो चल रही थी इनको लेकर, स्वामी चिन्मयानंद को लेकर आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजीव, राजीव आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी आ रही। काफी जद्दोजहद हुई इनको गिरफ्तार करने के लिए, काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि इन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा, आखिरकार इन्हें एसआईटी और यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? चिन्मयानंद का कोई बात हुई उनसे, कोई बयान आया उनका? एसआईटी जो है हर मामले में गंभीरता से जांच कर रही थी, उसने मामले के हर पहलू को गंभीरता से लिया और अपनी जांच रिपोर्ट में उसने पाया कि स्वामी चिन्मयानंद दोषी हैं। तो आज जो है स्वामी चिन्मयानंद को एसआईटी के ने गिरफ्तार किया। सबसे पहले कोतवाली ले गए, इस समय मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है उन्हें, जहाँ उनका मेडिकल हो रहा है, और 10:30 से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि आज उन्हें जेल अभी भेज दिया जाए। चिन्मयानंद की तरफ से कोई बयान आया, उनके समर्थकों का कोई बयान इस मामले में? हमने कोशिश की थी चिन्मयानंद की अधिवक्ता से बात करने की, उन्हें काफी फोन भी मिला है, लेकिन उनका ना तो फोन उठा है और अभी भी उनका फोन मिला रहे हैं, लेकिन उनका फोन नहीं उठ नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यौन शोषण का उन पर आरोप है। आप बने रहिए राजीव इस खबर पर और हमें लगातार अपडेट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चिन्मयानंद पर लगे यौन शोषण के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी और यूपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है, मेडिकल के लिए ले जाया गया है उनको। हालांकि इस मामले में अभी तक चिन्मयानंद या उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया है। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं चिन्मयानंद।